कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आगे फिर से आज एक नए वीडियो के साथ, और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सीरीज लेकर आए हैं। आज हमें वो क्वेश्चनों को तैयार करना है, वन लाइनर क्वेश्चन, जो हमारे एग्जाम में सीधे देखते ही हमको टिक लगाना है और चार नंबर पाना है। चलिए फिर देखते हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, और आज जो टारगेट है हमारा अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का उसको पूरा। तो पहले पांच क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, और इससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, वर्क का सीजीएस मात्रक। सीजीएस और एमकेएस दो पद्धति होती है, एमकेएस बड़ी पद्धति होती है, सीजीएस छोटी पद्धति होती है। जूल और अर्ग याद रखिएगा, अगर आपसे कभी एमकेएस मात्रक पूछेगा तो आप आंसर क्या दोगे, जूल। और जब भी आपसे सीजीएस मात्रक पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा, अर्ग। क्या होगा, अर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है धारा का एसआई मात्रक क्या है। मात्रक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो धारा का एसआई मात्रक सभी लोग याद रखेंगे एम्पियर होता है। क्या होता है बेटा, एम्पियर। धारा बिल्कुल, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्जेस के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा 0.310 इंटू 10 की पावर 3 में सार्थक अंक कितने हैं। तो सार्थक अंकों की पहचान के लिए कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून है, आप उसको जानिए, परखिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं पता है, अभी जानकारी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर 1, 2, 3 सार्थक अंक कितने हैं, 3 सार्थक अंक है, ठीक है। इसी के साथ साथ कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब जहां पर वायु नहीं है, प्रकाश की चाल होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, यहां पर वायु लिखा है, निर्वात हो जाएगा, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद आ रहा है कह रहा है 1 kWh, इसका मतलब क्या है, 1 kWh। सबसे पहली चीज ये है क्या, 1 kWh को ही हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा, 1 यूनिट, सभी लोग ध्यान रखेंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट जो घर में मीटर में जो हमारा बिल आता है उसमें लिखा रहता है कितने यूनिट लाइट आपने यूज करी है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो 1 kWh कितने के बराबर होता है, तो 3.6×10^6 जूल के बराबर होता है। 5 क्वेश्चन, 5 में अगर आपको 2 भी मिल जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, और फिर उन 5 में 2 को फंसाने की गारंटी के साथ हम लोग आगे के सेशन को क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो चलिए फिर मजेदार क्वेश्चन फिर से आपकी डिस्प्ले पर आ गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। विचलन मतलब जानी रहो विचलित होना, विचलित होने वाला जिसका कम विचलन होता है, तो वो रंग हमारे पास होता है लाल। कैसा होता है, लाल कलर जो है उसका विचलन सबसे क्या होता है, कम होता है। कह रहा है किस रंग का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब होता है बिखराव, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तभी ट्रैफिक सिग्नल वगैरह सब रेड कलर के होते हैं, क्योंकि इनका बिखराव उतना ज़्यादा नहीं है, आपको ऐसा लगेगा एक ही जगह पर सारा प्रकाश है। तो प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल। अब अगर कहते हैं प्रकीर्णन और विचलन सबसे ज़्यादा किसका रंग, कौन से रंग का होता है, तो ये बैंगनी रंग का होता है, ये भी ध्यान रखना। कौन से रंग का, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन और विचलन क्या होता है, दोनों ही ज्यादा होता है। तभी आसमान का नीला होना किसकी घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। फिर कह रहा है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाती है तो इसका संवेग क्या होगा, VIMB बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सभी बेटा फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है P1 upon P2 is equal to root में K1 upon क्या होता है K2 क्या होता है, रूट में K1 upon क्या होता है, K2 होता है। तो बस यहाँ से आप ये देख लो, अब देखो इस सवालों को करते कैसे हैं। कह रहा है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाती थी, तो मान लेते हैं पहले जो K1 था, पहले की जो गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी, 1 थी, और कह रहा बाद में कितनी कर दी जाती, 4 गुनी। 4 गुनी मतलब 1 थी, 4 गुनी कितना हो जाएगा, 4। बस ऐसे किया करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 upon P2 बराबर रूट में 1 upon कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर रूट अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा, और 2 इधर चला जाएगा, तो P2 आपका कितना आ जाएगा, 2P1। कितना आ जाएगा, 2P1। तो यहाँ पर जो P2 है वो बाद का संवेग है, और P1 क्या है, पहले का संवेग है। तो P2 कितना है, P1 का 2 गुना। तो आंसर में आपके 2 गुना होगा, वहाँ पर आप क्या कर देना, टिक कर देना। फिर कह रहा है समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, याद रखिएगा समतल दर्पण प्लेन मिरर उसका जो आवर्धन है वो m कितना होता है बेटा, 1 होता है। कह रहा नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, मनुष्य का आंख एक कैमरा है, और इस कैमरे में लेंस लगा है, वो जो लेंस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है वो पूछा जा रहा, तो अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी मतलब वो लेंस जो किरण जो आ रही है, पैरेलल किरण जो आ रही है उसको मोड़ दे,
तो नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी टाइप की होती है। तो इस तरीके से आपके ये 6 क्वेश्चन भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इन 6 से अगर हमारे 2 भी फंस जा रहे हैं तो हमारे लिए बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। फिर से आप सभी लोगों की डिस्प्ले पे कुछ बेहतरीन से प्रश्न नजर आ रहे होंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है मानव रक्त तथा आंसू का पीएच कितना होता है। पीएच बेटा आपकी एक पहचान का एक न्यूमेरिकल नंबर है। जैसे आपसे कभी कोई कहे कि एक व्यक्ति है उसकी आंख का पावर जो है 1 है, एक का है, दो व्यक्ति हैं एक का 2 है, तो किसकी आंख ज़्यादा ख़राब है? जिसका 2 पावर नंबर है। तो पीएच न्यूमेरिकल वैल्यू है जो ये बताता है, इंडिकेट करता है कि बिलियन अम्ली है या क्षारी है, और अम्ली है तो कितना है और क्षारी है तो कितना है। जब भी याद रखिएगा 2 केसेस होते हैं। अगर पीएच आपका 7 से कम है, पीएच अगर आपका 7 है और पीएच आपका 7 से क्या ज़्यादा है, अगर बेटा 7 से क्या है कम है तो बिलियन कैसा अम्ली, 7 है तो बिलियन कैसा उदासीन, और 7 से अधिक है तो बिलियन कैसा है क्षारी। इतना दिमाग में रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मानव रक्त व आंसू का पीएच कितना होता है, बहुत बार पूछा गया 7 कितना होता है, 4 होता है। इसी तरीके से कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। कौन सा बल है? संरक्षी बल है। कह रहा है बॉयल के नियम में, बॉयल के नियम में क्या नियत रहता है? बॉयल के नियम में हमने पिछली वीडियो में भी बताया, बार बार बता रहे हैं, बॉयल के नियम में पीवी क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। तो पीवी बराबर एनआरटी फॉर्मूला होता है, तो पीवी क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। अब इसी तरीके से बात करें ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता के नापने का जो यूनिट है वो डेसीबल है। क्या है? डेसीबल। डेसीबल में ध्वनि की तीव्रता क्या करी जाती है, नापी जाती है। फिर कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? विकिरण द्वारा। याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इस वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना नोट करते चलिए, और जितना बताया है उससे डेफिनेटली आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, आपको वो वीडियो जितनी भी आएंगी उनको देखना होगा, वॉच करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा। जो चीज़ें आपको पूछनी है उसका कमेंट करिए, जो आपको डाउट है वो मेरे से पर्सनल नंबर पर पूछिए, और भी जो भी चीज़ें हैं आप नंबर पर हमको बताइए, हम उस पर क्या है काम करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। थैंक यू।